पटना विश्वविद्यालय ने 2012 में गरीब एवं मध्यवर्गीय छात्रों के लिए एक स्पेशल क्लास की सुविधा उपलब्ध करवाई थी, जिसके अंतर्गत कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को कॉलेज के समय के बाद छात्रों को ऑनर्स पेपर की पढ़ाई करवानी होती थी। लेकिन 2012 में ये नियम बनने के बावजूद 4 साल बाद भी आज तक इसका एक भी क्लास शुरू नहीं हुआ है। क्या आपको कोई ऐसा नियम के बारे में पता है पटना यूनिवर्सिटी में स्पेशल क्लास का ऑनर्स पेपर? जी नहीं, आज तक तो पता नहीं है, कभी कोई बताया नहीं और कोई टीचर इसके बारे में कभी जिक्र किए नहीं, तो पता कहाँ से होगा। अगर पटना यूनिवर्सिटी इसकी क्लास शुरू कर देती है तो उससे तुमको क्या फ़ायदा होगा? अगर ये जो है रिमेडियल सर ट्यूटोरियल की क्लास अगर हो जाए तो इससे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। मुझे क्या, मुझे तो काफ़ी फ़ायदा है, मेरे साथ साथ जो उन गरीब मेरे दोस्तों का, गरीब भाइयों का भी काफ़ी सारा फ़ायदा है, जिसके तहत वो अपने क्लास ट्यूशन्स नहीं जा पाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग क्लास ज्वाइन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि क्लासेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग के पास टाइम नहीं होता है, या फिर कई बहुत सारे टीचर्स अच्छे नहीं मिल पाते जिनके चलते वो क्लास नहीं जा पाते हैं। इनफैक्ट तो इससे उन लोगों को काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। कुछ लोग के ट्यूशन्स जो हैं बाहर हैं या फिर घर से काफ़ी दूर है, अगर कॉलेज में, कॉलेज ख़त्म होने के बाद ये अगर टाइमिंग कुछ सही हिसाब से अगर वो कॉलेज के अंदर पढ़ाई करेंगे तो वो एक्चुअली उनको कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में कॉलेज में जितने अच्छे अच्छे टीचर हमारे पास हैं, वैसे टीचर तो मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे, और उनके अगर मिल भी जाते हैं गलती से तो उनकी फ़ीस इतनी है कि शायद हम अफोर्ड ना कर पाएँ, एटलीस्ट मैं तो अफोर्ड ना कर पाऊँ। का गरीब भाइयों का भी काफ़ी सारा फ़ायदा है, जिसके तहत वो अपने क्लास ट्यूशंस नहीं जा पाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग क्लास ज्वाइन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि क्लासेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग के पास टाइम नहीं होता है, या फिर कई बहुत सारे टीचर्स अच्छे नहीं मिल पाते जिनके चलते वो क्लास नहीं जा पाते हैं। इनफैक्ट जो बीएन कॉलेज है पटना विश्वविद्यालय, उसमें कितने ऐसे बच्चे होंगे, कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोचिंग नहीं कर पाते होंगे? जी, अगर सच बोले तो लगभग 80% ऐसे छात्र होंगे जो कोचिंग नहीं कर पाते होंगे। बाकी 20% ऐसे छात्र हैं जो अच्छे घर आने से आते हैं तो उनके माता पिता मजबूर करते हैं कि जाओ कोचिंग, जिसके कारण वो पढ़ पाते हैं। वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट वेलफेयर के डीन के नंबर पर कॉल करके दबाव बनाए। उनका नंबर है 0612-267-1826। मैं आमिर, पटना विश्वविद्यालय, पटना से, इंडिया अनहर्ड के लिए।